है वो है एरोप्लेन। सो स्टार्ट करते हैं। एरोप्लेन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, एंड पानी दो सोर्स से आती है, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो आपके कुआं हो गया, या स्प्रिंग्स हो गया, या बोरवेल्स हो गए, उसमें से आते हैं, जहाँ पे आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड इंडोटॉक्सिन, ये कम अमाउंट में पाया जाता है, जबकि सरफेस वाटर में ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, एंड इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट भी पाया जाता है। इसके अलावा अभी शहर में भी और एक सोर्स के ज़रिए आपको पानी मिल सकता है डायलिसिस यूनिट के लिए, दैट इज़ म्यूनिसिपल वाटर, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ क्लोरीन रहता है। तो एक एक करके मैं आरओ प्लांट के जो जितने भी फिल्टर्स होते हैं उसके बारे में बताते जा रहा हूँ, आपको काइंडली नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले रहता है सैंड फिल्टर, या सेडिमेंट फिल्टर, या मल्टीमीडिया फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर जो रहता है, इसका काम रहता है रॉ वाटर के जो पानी आता है उसमें से डर्ट, मर्ड पार्टिकल्स एंड बबल्स को रिमूव करना। ये 50 से 500 माइक्रोन्स तक के बबल्स को रिमूव करता है। सैंड फिल्टर जनरली कैटेगराइज रहता है तीन पार्ट में। फर्स्ट, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो आपके लार्ज बबल्स से फुलफिल रहता है, जो आपको येलो कलर का दिख रहा है। मीडियम पार्ट जो है, जो आपका पिंक कलर का दिख रहा है, वो मीडियम बबल से फुलफिल्ड रहता है, एंड स्मॉल बबल से फील्ड रहता है, जो ब्राउनिश पार्ट आपको दिख रहा है वो। जो ब्लू पार्ट दिख रहा है वो है फ्री एरिया, इसमें आपके पानी के एक्सचेंज होते हैं। सैंड फिल्टर के तीन ऑप्शन होते हैं, सर्विस मोड, बैकवॉश मोड एंड रिंस मोड। सर्विस मोड का मतलब होता है कि फिल्टर होके एक जगह से, एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर तक पानी पहुंचना। बैकवॉश का मतलब होता है जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं, फ्री पैसेज, उसमें अगर कुछ भी मड पार्टिकल्स जम जाता है या सेचुरेटेड हो जाते हैं, उसको धक्का देके, पानी के फोर्स से धक्का देके उसको बाहर निकालना। एंड रिंस का मतलब होता है क्लीन करना उस स्पेस को। कार्बन फिल्टर इसके बाद रहता है। कार्बन फिल्टर में, इसके अंदर में रहता है ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल, जो कि क्लोरीन एंड क्लोरामाइन को एड्सॉर्प्शन मेथड से रिमूव करता है। एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन दो मेथड अलग अलग होता है। सो जो कार्बन फिल्टर में होता है दैट इज एड्सॉर्प्शन, एंड इसके भी तीन मोड रहते हैं, सर्विस, बैकवॉश एंड रिंस। कार्बन फिल्टर से होके पानी आ जाता है शॉर्पनर फिल्टर में। इसके अंदर में रहता है रेजिन्स, जो कि आयन एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी कि आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिमूव करना इसका मेन काम रहता है। इसके तीन ऑप्शन रहते हैं, सर्विस, रिजनरेशन एंड रिंस। रिजनरेशन का मतलब होता है जो NaCl एडेड वाटर होता है उसको सक करके ब्राइन टैंक के थ्रू शॉर्पनर फिल्टर में सक करवाना, एंड उससे रेजिन्स को चार्ज करना। इसके बाद रिंस मैंडेटरी होता है। अगर रिंस आप नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो पोस्ट शॉर्पनर वाटर होता है उसमें आपके सोडियम के इंक्रीज रेट दिखते हैं, यानी कि पोस्ट शॉर्पनर वाटर में आपके सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जो कि पेशेंट एंड आरओ मेम्ब्रेन दोनों के लिए खतरा बन सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है आरओ मेम्ब्रेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है एंड वाइटल पार्ट होता है। कार्टेज फ्री फिल्टर ये दो पार्ट में डिवाइड होता है माइक्रोन फिल्टर्स के हिसाब से, जैसे कि आप कुछ कुछ जगह पे 5 माइक्रोन फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे 20 माइक्रोन्स, कुछ कुछ जगह पे 10 माइक्रोन्स भी फिल्टर यूज़ होते हैं। आरओ पंप, प्रेशर गॉजेस, कंडक्टिविटी मीटर, वाटर फ्लो मीटर, मेन बोर्ड विद डिस्प्ले, या फिर इसको कंट्रोल पैनल भी आप बोल सकते हैं, एंटीस्केलिन पंप, यूवी लैम्प एंड पायरोजन फिल्टर। आरओ मेम्ब्रेन के जो काम होते हैं वो जनरली होता है फाइनल प्यूरिफिकेशन का, जहाँ पे आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यानी कि आयोनिक एंड नॉन आयोनिक कंटामिनेशंस आपके निकल जाते हैं, सॉल्ट्स,
मेटल्स, केमिकल्स, जितने भी टाइप्स के आपके बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो रिमूव करना आर्गुमेंट के प्राइमरी एंड फाइनल काम ही होता है। आर ओ मेम्ब्रेन जो बना हुआ रहता है वो बहुत ही थीन एंड स्पाइरल बाउंड से बना हुआ रहता है, जो कि आपके बाद के पिक्चर्स में आपको दिखेंगे। जो रिवर्स ऑस्मोसिस के काम होते हैं, जनरली ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग सभी को ही जानते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस ये ऑस्मोसिस का ऑपोजिट है एंड ये बहुत ही फोर्स से काम करता है थ्रू हाई प्रेशर पंप। सो इसी के वजह से जितने भी आपके पानी के टीडीएस है, हार्डनेस है, वो कम होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो सिस्टम है वो क्रॉस फ्लो मेथड पे काम करता है। प्योर वाटर में इसका काम होता है सॉल्ट्स, मेटल्स, जितने भी आपके कंटामिनेटेड पार्टिकल्स हैं वो एक साइड में रख के जो फ्रेश वाटर है उसको प्रोडक्ट वाटर के हिसाब से नेक्स्ट जगह पे भेजना। आरओ मेम्ब्रेन जो रिजेक्शन रेट करता है, जैसे कि मान लीजिए आपके टीडीएस अगर जो जितने भी ज़्यादा हैं उसमें 95 से 99% तक रिजेक्शन रेट रहता है टीडीएस का। क्लोरीन एंड क्लोरामीन भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है, बट ज़्यादातर जगहों पे क्लोरीन एंड क्लोरामीन जो है, अगर आपके पास कार्बन फिल्टर नहीं है उस कंडीशन में आपके मेम्ब्रेन चोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सो इसी के लिए कार्बन फिल्टर आरओ मेम्ब्रेन से पहले दिया रहता है। स्केल्स एंड डिपॉजिट भी रिमूव करता है, बट उसके लिए भी पहले आपके सैंड फिल्टर एंड शॉर्पनर फिल्टर दिया रहता है, ताकि आपके आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ बहुत ज़्यादा चलता रहे। जो मैं पिक्चर की बात कर रहा था वो इस तरीके का है कि आरओ मेम्ब्रेन को आप अगर बीच से काटोगे तो बहुत ही थीन थीन लेयर आपको दिखेंगे। कुछ कुछ जो वाइटल पार्ट्स हैं आरओ मेम्ब्रेन के, जैसे कि कार्टेज फिल्टर हो गया, और हाई प्रेशर पंप हो गया, एंटी स्क्रीन पंप हो गया, प्रेशर गॉजेस, कंट्रोल पैनल, कंडक्टिविटी मीटर एंड यूवी लैम्प, पायोजन फिल्टर, क्या क्या काम करते हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब एक वाइटल चीज है, यहाँ पे कुछ आपको इंटरडायलिटिक कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं जो कि ड्यूरिंग डायलिसिस होता रहता है, एंड उसके रीजंस, सपोर्टिव रीजंस दिया हुआ है कि किस किस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये जनरली आरओ प्लांट के कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब मान लीजिए आपके पास 5 पेशेंट हैं आपके डायलिसिस यूनिट पे, एंड 5ों पेशेंट को एक साथ में ही आपका मान लीजिए हाइपरटेंशन हो गया। सो जनरली यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कैल्शियम एंड आपका सोडियम लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है आपके प्रोडक्ट वाटर में, सो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सेम यहाँ पे बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन एंड जो भी आपके माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं उसके वजह से क्या क्या सिम्टोम्स या क्या क्या इंटरडायलिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज जो होते हैं आरओ प्लांट के वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि रॉ वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड प्रोडक्ट वाटर के जो टैंक के लेवल्स हैं वो चेक करना होता है। सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर एंड शॉर्पनर के प्रेशर चेक करने होते हैं। प्री एंड पोस्ट माइक्रोन फिल्टर के प्रेशर चेक करना होता है। प्राइमरी एंड फाइनल प्रेशर चेक करना होता है। कंडक्टिविटी चेक करना होता है पानी का। एंटी स्क्रिडेंट लेवल चेक करना होता है। प्री एंड पोस्ट क्लोरिन टेस्ट करना होता है। प्री एंड पोस्ट हार्डनेस टेस्ट करना होता है रिजनरेशन के बाद। लेकिन टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स यानी कि टीडीएस, रॉ वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड प्रोडक्ट वाटर का तीनों जगह से लेके चेक करना होता है। प्रोडक्ट वाटर एंड रिजेक्ट वाटर के फ्लो चेक करना होता है। बैकवॉश, रिंस एंड रिजनरेशन ये अगर पॉसिबल है एक दिन में 2 बार करना चाहिए। माइक्रोन फिल्टर्स जो होते हैं वो वीकली ट्वाइस क्लीन करने चाहिए। टैंक के डिसइंफेक्शन एंड माइक्रोन फिल्टर के जो चेंजिंग है वो मंथली होना चाहिए। पायरोजन फिल्टर के क्लीनिंग जो है वो मंथली होना चाहिए। वाटर के जो सैंपल हैं जिसमें आपके पूरा डिटेल्स आता है केमिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो